नमस्कार, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और आज है डे नंबर 7। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था 40 डेज का स्टडी प्लान जो आपको रीजनिंग और मैथ्स करवाएगा IBPS RRB PON क्लर्क 2020 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। और उसके कुछ ही दिनों बाद IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ गया। तो ये वीडियो आपके दोनों एग्जाम के लिए है, RRB 2020 और पीओ 2020 के लिए भी है। ठीक है, तो पीओ 2020 के लिए हम अलग से शेड्यूल चलाया, कोई मतलब नहीं है। ये सेम कंटेंट, सेम सब कुछ, सेम बेसिक, सेम हाई, सेम एग्जांपल आपको काम लग जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, रीजनिंग में हमने दो चैप्टर खत्म कर दिए हैं, एक तो कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा ऑर्डर एंड रैंकिंग, और आज है तीसरा चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये भी दो लेक्चर में होगा, बेसिक टू हाई तक जाएंगे और सारे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्शन सेंस टेस्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, आप लोग सिंपल ऐसे भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अब पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितनी डायरेक्शन होती है, आपको कितनी डायरेक्शन का ज्ञान है, तो काफी लोग का आंसर होता है 4, काफी लोग का आंसर होता है 6, काफी लोग का आंसर होता है 8, बट सही आंसर क्या है, 8 वाला। ठीक है, तो टोटल डायरेक्शन कितनी है, 8। और अगर पूछा जाए कि प्राइमरी डायरेक्शन कितनी है, तो 4। प्राइमरी डायरेक्शन मतलब ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं उसको प्राइमरी डायरेक्शन बोलेंगे। और हम कभी भी कहीं पे भी बैठेंगे, हम इसी को हम अपना डिफॉल्ट डायरेक्शन मानेंगे। वैसे तो जनरली हम जिस हालात में अभी आप वीडियो देख रहे हो और जिस और फेस करके बैठे हो उसका डायरेक्शन आपको ज्ञात करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, आप जहाँ कहीं भी सॉल्व करने बैठ हो तो आपको एक डिफॉल्ट बना लेना है। डिफॉल्ट बनाने के बाद आपको उसी को मानना है। जैसे कि डिफॉल्ट में हम ऑलवेज ऊपर की डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो ऊपर जा रही है ना, ये एरो वाली डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, और नॉर्थ के सामने सभी को पता है क्या होती है, साउथ। फिर राइट हैंड साइड, अपने जो राइट हैंड है उसकी और जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड उसके सामने मतलब ईस्ट के सामने होती है वेस्ट। ठीक है, आपको ये क्लॉकवाइज भी याद रहना चाहिए कि भाई नॉर्थ के क्लॉक में क्लॉकवाइज जाएंगे तो ईस्ट मिलेगी, ईस्ट के क्लॉकवाइज जाएंगे साउथ मिलेगी, साउथ के क्लॉकवाइज जाएंगे तो वेस्ट मिलेगी, और वेस्ट के क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ मिलेगी। अब होता क्या है, यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट हैंड साइड का भी नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि मुझे ये पता चल गया, अब ये चार डायरेक्शन जो है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी डायरेक्शन। अब बाकी चार डायरेक्शन कहाँ है, तो बाकी चार डायरेक्शन जो होती है ना वो मिडल में होती है, कुछ इस प्रकार से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, कुछ इस प्रकार से यहां भी होती है, तो यहां भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, सही ना। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो फुल लाइन है बिना डैश वाली उसको बोलते हैं प्राइमरी डायरेक्शन, और जो ये डैश वाली लाइन है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायरेक्शन। तो कुल मिला के आपके पास 8 डायरेक्शन बन जाती है। ठीक है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो ये एंगल है ना वो है 90 डिग्री का। ठीक है, और ये जो दो कंस्टिट्यूट में डिवाइड हो रहा है ना सभी में, वो 45 45 डिग्री का है। ये नॉलेज इसलिए कि कभी कभी डिग्री वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे कुछ सवाल हम मार्कर बदल देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। ओके, अब अगर कोई पर्सन नॉर्थ की ओर ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो वॉक कर रहा है नॉर्थ में, मतलब किसी पॉइंट से वो नॉर्थ में स्टार्ट कर रहा है वॉक करना, और अब उसको राइट टर्न लेना है। अगर कोई पर्सन नॉर्थ में वॉक कर रहा है और उसको राइट टर्न लेना है, तो उसका राइट टर्न डेफिनेटली ये होगा, ये उसका राइट होगा, और लेफ्ट टर्न लेना होता तो ये उसका लेफ्ट होता, सही ना।
अगर कोई पर्सन नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है, वो नॉर्थ में वॉक कर रहा है, नॉर्थ साइड में जा रहा है और उसको राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न इस साइड होगा, और अगर उसको लेफ्ट टर्न लेना होता तो वो लेफ्ट टर्न इस साइड होता, ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में चल रहा है, ठीक है, ईस्ट में चल रहा है और उसको राइट टर्न लेना होगा, तो राइट टर्न उसका होगा नीचे, ये होगा उसका राइट, और अगर उसको लेफ्ट टर्न लेना होता तो ये होता उसका लेफ्ट टर्न। अब गलती कहाँ होती है पता है? नॉर्थ में पर्सन चल रहा है तो उसका राइट कभी गलत नहीं होता, क्योंकि उसको पता है राइट हैंड साइड ही राइट होता है, ठीक है। बट अगर पर्सन साउथ में चल रहा है, अगर पर्सन साउथ में चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा? काफी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, पर्सन चल रहा है साउथ में और बोला जाता है राइट, तो यहाँ पे एरो खींच के ये राइट बना देते हैं, बट ये राइट नहीं होता उस पर्सन का। जब पर्सन साउथ में चल रहा होता है तब राइट होता है यहाँ पे और लेफ्ट होता है यहाँ पे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली पर्सन अगर वेस्ट में चल रहा है तो उसका राइट हैंड साइड इस साइड होगा और उसका लेफ्ट टर्न इस साइड होगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो राइट का डायरेक्शन ऑब्जर्व करो, ये और ये, सभी राइट डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। मतलब अगर आप कोई भी पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ऑन करोगे, कोई भी पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ऑन करोगे तो क्या मिलेगा? राइट टर्न, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉक मूव करोगे तो क्या मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन मिलेगा उस पर्सन का, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट मिलेगा, एंटी क्लॉक जाएंगे तो लेफ्ट मिलेगा, तो ऐसे याद रखिए। बट मेरी मानो तो रटो मत, ये रटने वाला फॉर्मूला हो जाएगा। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि आप किस ओर चल रहे हो, जिस ओर चल रहे हो उस ओर आप अपने आप को ले लो कि मैं ही उस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मेरा राइट हैंड साइड राइट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं साउथ में चल रहा होता तो मैं पूरा उल्टा होता, तो मेरा राइट उल्टा हो जाएगा ना, तो मेरा राइट इस साइड ही जाएगा और लेफ्ट इस साइड जाएगा। अगर आप इस प्रकार से लॉजिकली याद रखोगे तो आपको एरर होने का चांस कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कंफर्ट से आप अपना याद रखिए, बस मार्क्स आने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं और राइट टर्न लेना है तो इस साइड, और लेफ्ट टर्न लेना है तो इस साइड। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं तो राइट टर्न इस साइड, लेफ्ट टर्न इस साइड। अगर हम साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो हमारा राइट टर्न इस साइड और लेफ्ट टर्न इस साइड। अगर हम साउथ वेस्ट में जा रहे हैं तो हमारा राइट टर्न इस साइड, लेफ्ट टर्न इस साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना और अच्छे से स्टोर कर लेना, अपनी नोट्स बना लेना, ठीक है। क्योंकि ये चार्ट आपको ऑलवेज याद रखना है और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपली आपको ये याद रखना है कि जब भी हम ये प्लस बनाएं तो राइट हैंड साइड ईस्ट होती है और ऊपर की ओर नॉर्थ होती है, तो नॉर्थ के सामने साउथ होती है और ईस्ट के सामने वेस्ट होती है, वो तो पता चल ही जाएगा। और बाकी ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, ठीक है। ये डायग्राम रेडी, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए एक बेसिक सा डेमो कर लेते हैं कि एक एग्जांपल, मान लो कोई पर्सन है, इफ पर्सन ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स हिज नॉर्थ डायरेक्शन, पर्सन ए वॉक करना स्टार्ट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, वो 5 किलोमीटर चलने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में टर्न हो रहा है? राइट टर्न कर रहा है। तो मैं एक पॉइंट डिसाइड कर लूंगा और वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव ऑन करूंगा, क्योंकि उसने बोला है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद बोल रहे हैं कि वो राइट टर्न ले रहा है, तो इसका राइट टर्न कहाँ होगा? इस साइड होगा, क्योंकि वो नॉर्थ में चल रहा है। आफ्टर टेकिंग राइट टर्न ही वॉक 10 किलोमीटर्स, वो कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। एंड टुक अ राइट टर्न अगेन, वो 10 किलोमीटर चलने के बाद राइट टर्न अगेन लेता है। एंड स्टॉप्ड आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर, और वो स्टॉप हो जाता है 5 किलोमीटर चलने के बाद, तो ये 5 किलोमीटर चलने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं पता है? ये 5 किलोमीटर का लाइन इतना बनाया और इस 5 किलोमीटर का लाइन इतना बना देंगे, या तो इतना ही बनाएंगे, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, ये चीज़ इनवैलिड हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस प्रमाण में आपकी लाइन बना रहे हो उसी प्रमाण में आपकी लाइन चलती रहे। अगर आप अपनी लाइन का अरेंजमेंट गलत गलत करेंगे तो आपका डिस्टेंस और
डायरेक्शन कैलकुलेट गलत होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने 5 किलोमीटर इतना बनाया तो ये 5 भी उसके जितना ही बनना चाहिए, और ये 5 के रिलेवेंट में ये 10 जो है ना उससे दुगना दिखना चाहिए। फिर 10 भी इतना ही दिख रहा है तो टके शेर बाजी टके शेर खा जा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सुना है ना अंधेरी नगरी एंड गंडू राजा, ठीक है। चलो नहीं सुना है तो सुन लेना। बाकी यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आप स्केल बनाते हो वो एक नाप के नहीं बनाना है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 5 मैंने इतना बनाया तो 10 उससे डबल होगा और 5 इसके जितना ही होगा, ठीक है। अब सवाल क्या होगा, नाउ द पर्सन इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या होगा, पर्सन इज इन विच डायरेक्शन From his starting point, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा important क्या है पता है, From his starting point। ये from जो लिखा है ना वहाँ से आपको देखना है, From कहाँ पे लिखा है, starting point कहाँ, तो कौन सा था, ये था, तो यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना डायल बना लूंगा या तो इमेजिन कर लूंगा, ठीक है। इसको ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि ये डायरेक्शन पर्सन जो स्टॉप हुआ वो कौन सी है, तो ये डायरेक्शन ईस्ट है, ठीक है। द पर्सन इज इन विच डायरेक्शन की जगह ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से पर्सन ईस्ट की ओर है अभी, ठीक है। और पूछा जाए और एट वॉट डिस्टेंस, तो आप क्या बताओगे, अगर ये 10 किलोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर ही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन 10 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, ठीक है। मान लो कि पर्सन कंटिन्यू हिज जर्नी एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही स्टॉप्ड। पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा था, साउथ की डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को एक्सटेंड किया कि पर्सन कंटिन्यू हिज जर्नी, तो यहाँ से वो जर्नी कंटिन्यू करेगा, अब जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलेगा, और 3 किलोमीटर चलने के बाद वो वापस से स्टॉप हो जाता है। अब पूछा जाए सेम क्वेश्चन के द पर्सन इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो फ्रॉम पूछा है वहां से देखना है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ से देखना है, और अब डायरेक्शन हमें देखनी है ये, क्योंकि पर्सन अब रुका है यहाँ पे, और ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, तो पर्सन इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। पर्सन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आने लायक, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन बनाते जाते हैं। अब यहाँ से बोला होता कि पर्सन टेकिंग अ राइट टर्न, तो राइट टर्न इस और नहीं होता, क्योंकि पर्सन कहाँ चल रहा है, साउथ में चल रहा है, और जब आप साउथ में चल रहे होते हैं तब आपका राइट और लेफ्ट अपोजिट हो चुका है, ठीक है। तो राइट ये नहीं होता, राइट ये होता और लेफ्ट ये होता, तो पर्सन अगर राइट टर्न लेता तो वो इस साइड जाता, ठीक है। समझ में आ गए, चलिए एग्जाम्पल करते करते मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहला क्वेश्चन कब पूछा गया था, IBPS क्लर्क प्रिलिमिनरी 2015 में पूछा गया था, ये सवाल पढ़ते हैं। क्या पूछा है, अ थीफ वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द पोलिस, एक चोर है वो भाग रहा है पोलिस से, ठीक है। ही रैन 50 meters टूवर्ड्स ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ठीक है। ये बिफोर बोला है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं डायल बना लेता हूँ आपके सहूलियत के लिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब बोला गया है कि थीव जो है वो रैन, मतलब दौड़ा 50 meters टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ये बिफोर का मतलब क्या होता है, राइट मुड़ने से पहले, बिफोर बोला है तो बिफोर टर्निंग टू हिज राइट बोला है, तो राइट मुड़ने से पहले, मतलब पर्सन राइट साइड मुड़ने से पहले 50 meters दौड़ा है ईस्ट की ओर। तो मुझे कोई एक पॉइंट, सर्टेन पॉइंट ले लेना है, ये सर्टेन पॉइंट ले लिया, अब वो जा रहा है ईस्ट में, तो ईस्ट डायरेक्शन किस ओर जाती है, ईस्ट साइड जाती है, तो मुझे भी भागना होगा, यानी चोर को भगाना होगा इस डायरेक्शन में। तो चोर इतना भागा और ये कितना होगा, 50 meters, और क्या बोला है, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब चोर 50 meters ईस्ट में भागता है, जो भाग लिया
राइट मुड़ने से पहले, मतलब भागने के बाद वो राइट मुड़ेगा तो उसका राइट कहाँ होगा? अगर पर्सन ईस्ट में चल रहा है तो उसका राइट होगा बॉटम साइड, ठीक है। अब राइट तो मुड़ लिया, नेक्स्ट सेंटेंस, ही अगेन रैन 425 मीटर बिफोर टेकिंग राइट टर्न। वो दोबारा 25 मीटर दौड़ा राइट टर्न लेने से पहले। बिफोर टेकिंग राइट टर्न का मतलब होता है राइट टर्न लेने से पहले वो 25 मीटर दौड़ा। तो 25 मीटर इस लाइन से तो आधा ही मुझे दिखाना पड़ेगा, तो मैं उसको आधा ही इतना ही दिखाता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये 25 मीटर हो गया। और बिफोर टेकिंग राइट टर्न, अगर पर्सन साउथ में है तो उसका राइट भी उल्टा हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ साउथ में जा रहा है तो उसका राइट इस साइड जाएगा और लेफ्ट इस साइड जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। तो राइट टर्न पर्सन का कहाँ होगा? इस साइड होगा, पर्सन राइट टर्न ले रहा है। आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे क्या लिखा है। फर्दर ही रैन 430 मीटर एंड गॉट नैप्ड। नैप्ड मतलब पकड़े जाना। तो फर्दर और 30 मीटर दौड़ा और फिर पकड़ा गया। तो मैं इसको 30 मीटर तक ही ले जाऊंगा। 30 मीटर 50 के आधे से तो ज़्यादा होगा, तो मैं 50 के आधे से ज़्यादा उसको रैन करवा रहा हूँ। और यहाँ पे जाके मैं मान लेता हूँ कि वो जो चोर है वो पकड़ा गया, ठीक है। और ये होगा 30 मीटर, ठीक है। ये रिलेवेंट डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 30 मीटर की लेंथ को इतना ज़्यादा कर दोगे तो वो तो 50 से ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। डायरेक्शन भी बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। तो डायरेक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से, ठीक है। तो स्केल अच्छे से चलाना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि स्केल से हम ड्रॉ करेंगे, हम जस्ट अपने रेफरेंस से, मतलब अपने माइंड से, अपने दिमाग से कि ये 50 मीटर इतना बनाया तो उससे 30 मीटर इतना ही होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विथ रेफरेंस टू द पॉइंट वेर ही गॉट नैप्ड। अब फ्रॉम बोला है, रेफरेंस बोला है, तो वहां से आपको देखना है। तो रेफरेंस टू द पॉइंट वेर ही गॉट नैप्ड मतलब हमें देखना कहाँ से है, वो जिस पॉइंट पे पकड़ा गया उस पॉइंट से, यानी यहाँ से हमें देखना है, ठीक है। तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, जहाँ पकड़ा गया ना वहाँ ये डायल बना देने का, जहाँ से हमें देखना है, सॉरी मतलब रेफरेंस या फ्रॉम जहाँ से दिया है वहाँ से आपको देखना है। किस पॉइंट को देखना है? इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपको देखना है स्टार्टिंग पॉइंट को। स्टार्टिंग पॉइंट किया ये, तो आपको ये डायरेक्शन कौन सी है वो बतानी है, मतलब यहाँ से लेके ये डायरेक्शन, मतलब इस और कौन सी डायरेक्शन है, और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। क्या ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट अवेलेबल है? जी हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर टू। जी मूव्स 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट एच। जी मूव्स 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, वापस से मैं डायरेक्शन का चार्ट बना लेता हूँ। ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो वो जी जो है वो ईस्ट में चल रहा है 12 मीटर, तो मैं ये जी मान लेता हूँ और ये 12 मीटर ईस्ट में चल रहा है, ठीक है। ये 12 मीटर इतना, और यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे रुका वो एच है, ठीक है। फिर फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड मूव 7 मीटर, यहाँ से ये लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब ये 12 बना है तो 12 के रेफरेंस में मुझे 7 उतना ही बनाना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 7 इतना ही होगा। और कहाँ पहुँचना है? फ्रॉम देयर ही टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न ऊपर की ओर जाएगा, राइट टर्न नीचे होता, बट लेफ्ट टर्न ले जाए तो ऊपर जाएगा और 7 मीटर जाएगा। 7 मीटर टू रीच पॉइंट जे, मतलब ये जो पॉइंट रीच किया वो है पॉइंट जे। फिर क्या बोला है? देन ही मूव्स टू हिज लेफ्ट, मतलब ये जो जी है वो उसके लेफ्ट में मूव किया। अब नॉर्थ में जा रहा है तो लेफ्ट तो इस साइड होगा। एंड मूव 5 मीटर, 5 मीटर 12 के रिस्पेक्ट में और 7 के रिस्पेक्ट में भी कम होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा मत बना देना रेफरेंस में। रिस्पेक्ट मतलब डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर करना, ठीक है। 5 मीटर टू रीच पॉइंट के, यहाँ पे ये कौन से पॉइंट पे पहुँचा? ये पॉइंट के है। फिर क्या बोला है? फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब पर्सन वेस्ट में चल रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? नीचे की ओर, और राइट टर्न होता तो ऊपर की ओर। तो हमें लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न नीचे जाएगा, तो यहाँ से नीचे जाना है, कितना जाना है वो पता है। एंड मूव 7 मीटर टू रीच पॉइंट एल। अब 7 मीटर है, ये चीज़ ध्यान रख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो है वो 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर भी यहाँ जाके ही रुकेगा, ठीक है। ये और ये 7 मीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाओगे तो भी गलत है, इससे कम बनाओगे तो भी गलत है, क्योंकि ये एक ही डायमेंशन में ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। एंड रीच पॉइंट एल, तो ये पॉइंट एल है। इन विच डायरेक्शन, अब क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारा डायग्राम रेडी गया, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज पॉइंट एल फ्रॉम पॉइंट जी। फ्रॉम किसके साथ लगा है भाई? पॉइंट जी के साथ लगा है, तो भाई जी पे अपना डायल बना दो। ये जी है फ्रॉम, यहाँ से देखना है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। किसको देखना है? पॉइंट एल को देख, पॉइंट एल ये रहा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एल फ्रॉम पॉइंट जी एंड एट वॉट डिस्टेंस, हाउ फार मतलब डिस्टेंस। तो हमें ये बताना है कि यहाँ से लेके ये जो चल रहा है ना, ये डिस्टेंस कितना है और ये कौन सी डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन यहाँ से देखेंगे ना, तो वो कौन सी दिख रही है? ईस्ट दिख रही है। तो डायरेक्शन तो मिल गई ईस्ट, और कितना डिस्टेंस होगा टोटल, ये कुल कितना है? 12, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? 5 होगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, वही तो पूछा है हमें। तो ये कितना होगा? 7 होगा, 7 और 5 12, तो आपको 7 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑप्शन में ढूंढना है, और वो है ऑप्शन ए। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 मीटर ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा था? NIACL यानी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट के एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कब पूछा है? UBIPO ने पूछा है, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेशनली ऑफिसर। क्या बोला है? राहुल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पी एंड रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। जब भी ये क्वेश्चन करो आपके सामने ये डायल बन ही जाना चाहिए। राहुल दौड़ना स्टार्ट कर रहा है पॉइंट पी से और वो 10 किलोमीटर दौड़ता है नॉर्थ की ओर। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है और 10 किलोमीटर दौड़ रहा है नॉर्थ की ओर, तो ये 10 किलोमीटर ऐसा भी मान लेते हैं, और कुछ नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है। ही टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 15 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न, नॉर्थ में चल रहा है तो राइट टर्न कहाँ होगा? नॉर्थ में चल रहा है तो राइट टर्न ये होगा, तो राइट टर्न इस साइड जाएगा और कितना? 15 चलता है, 15 10 से ज़्यादा लाइन दिखनी चाहिए, तो 10 से ज़्यादा लाइन बना दी और मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, ही नाउ रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न। आफ्टर टेकिंग मतलब पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया और फिर 6 किलोमीटर चल रहा है, क्योंकि ही नाउ रन्स, वो अब 6 किलोमीटर दौड़ रहा है आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट टर्न लेने के बाद। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? अगर हम ईस्ट में चल रहे हैं तो लेफ्ट टर्न हमारा ऊपर की ओर होता है, तो लेफ्ट टर्न जाएगा ऊपर की ओर और कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये 6 किलोमीटर कितना होगा। भैया ट्रैफिक का तो समस्या यहाँ पे है ही, तो ट्रैफिक तो आने वाला है, मैं नॉइज़ को इतनी क्लियर नहीं कर सकता, तो थोड़ा नॉइज़ के बारे में, बैकग्राउंड नॉइज़ के इग्नोर करना। तो ही रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न, तो इसको मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया और यहाँ पे 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड रन्स 15 किलोमीटर एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो ये यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न कहाँ होगा? इस साइड होगा, और 15 चलेगा तो ये इसके सामने ही आके रुकेगा, रुकेगा ना इसके सामने एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप इसके आगे ले जाओगे तो भी इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बदल जाएगी, इससे पीछे रखोगे तो भी इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बदल जाएगी, और ये इतना 15 किलोमीटर है तो ये 15 किलोमीटर भी यहाँ इतना ही होगा। ठीक है, और ये जो रुकता है वो पॉइंट है क्यू। ठीक है, तो हमारा डायग्राम रेडी हो गया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फार इज पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। रिस्पेक्ट किसके साथ है? पॉइंट पी के साथ है। फ्रॉम और रिस्पेक्ट जिसके साथ हो वहां से आपको देखना है, तो पॉइंट पी से आपको देखना है। तो ये डायल ईस्ट, उधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो हमें पूछा है कि जो पॉइंट क्यू है वो पी के रिस्पेक्ट में कौन सी जगह पे है। ठीक है, काफ़ी लोग रिस्पेक्ट पढ़ने में गलती कर देते हैं और आंसर गलत ले आते हैं, ये चीज़ कभी मत करना। रीजनिंग एक लैंग्वेज है, तो आपको अच्छे से उसको बाकायदा समझना भी होगा और पढ़ना भी होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्यू, पॉइंट पी से अगर आप देखोगे कि पॉइंट क्यू किस और है, तो वो नॉर्थ में है। ठीक है, और पूछा है हमें हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा पी से लेके क्यू तक का, ये हाइट वाला डिस्टेंस। तो ये कैसे मेजर होगा? देखो यहाँ तक तो आपको पता है कि 10 है, और ये डिस्टेंस पता नहीं है यहाँ का, बट यहाँ तो पता है ना ये 6 है, तो ये भी 6 ही होगा, तो 6 यहाँ पे होगा। टोटल 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। क्या ऑप्शन में 16 अवेलेबल है? जी हाँ अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज द राहुल मूविंग बिफोर इट स्टॉप्ड एट पॉइंट क्यू। सवाल बड़ा अच्छा है, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज राहुल मूविंग। टूवर्ड्स मतलब
किस ओर, विच डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन में राहुल मूव कर रहा था जब वो स्टॉप हुआ पॉइंट क्यू पे। तो काफी लोग इसका मतलब क्या निकालते हैं पता है, स्टार्टिंग पॉइंट से ढूंढ लो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में है, नॉर्थ का आंसर दे दो, और ऑप्शन में नॉर्थ होता भी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि राहुल जब पॉइंट क्यू के ऊपर स्टॉप हुआ तब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा था। तो ये डायरेक्शन कौन सी थी भाई मूव हो रहा था वो, ये डायरेक्शन बकायदा वेस्ट डायरेक्शन थी, इस और मूव हो रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, रीजनिंग है, एक लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज समझोगे नहीं तो आपका नेगेटिव होना बहुत बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, बट प्रैक्टिस करने के बाद, मैं जो जो करवा रहा हूँ उसकी शीट आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ कि मैंने पहले लेक्चर की ही शीट अभी तक अपलोड की है, बाकी लेक्चर्स की अभी तक अपलोड नहीं किया है, बट जल्दी कर दूंगा। तो उसकी दो दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आपका सॉल्यूशन सिलेक्शन होना पक्का हो जाएगा, 90-99%। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 का पूछा था, आरबीआई असिस्टेंट प्रिलिमिनरी 2020 में पूछा था, ये 2020 जो मतलब शायद जनवरी या फरवरी में एग्जाम हुई तो उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए मैंने शायद ब्लैंक पेज दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनाना मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, रमेश गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम पॉइंट एम, पॉइंट एम एक जगह है, वहाँ से रमेश अपनी ऑफिस के लिए प्रयाण कर रहा है, जाने की शुरुआत कर रहा है। ही वॉक्स 8 मीटर इन ईस्ट एंड रिचिज एट पॉइंट एन, मतलब वो ईस्ट में चल रहा है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, क्या बोला है, ही वॉक्स 8 मीटर इन ईस्ट, तो एक पॉइंट एम बना लेता हूँ, और 8 मीटर वो ईस्ट में चल रहा है तो ये 8 मीटर में मान लेता हूँ, और ये पॉइंट एन मान लेता हूँ। ठीक है, फिर क्या बोला है, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट ओ, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और वो 4 मीटर चलता है पॉइंट ओ तक। यहाँ से लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, अगर आप ईस्ट में चल रहे हो तो लेफ्ट टर्न ऊपर की ओर जाएगा, और 4 मीटर इससे तो आधा ही होगा, तो मैं आधा ही डिस्टेंस बनाऊंगा इसके मुकाबले, तो ये, और पॉइंट कौन सा पहुंचा है, ओ। ठीक है, फिर क्या बोला है, नाउ ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच एट पॉइंट पी, यहाँ से वो राइट टर्न ले रहा है और 5 मीटर चल रहा है पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए। अब नॉर्थ में चल रहा है तो राइट टर्न मेरे ख्याल से बखूबी सबको पता है, और 5 मीटर है तो इससे थोड़ा बड़ा होगा, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू, अब वापस से ये यहाँ से राइट टर्न लेता है और 8 मीटर चलता है पॉइंट क्यू तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ से राइट टर्न, अगर आप ईस्ट में चल रहे हो तो लेफ्ट इधर होता है तो राइट इधर होता है, तो राइट जाएगा नीचे और वो 8 मीटर चलता है, तो ये 4 मीटर तो यहाँ तक इसके कंपेरेटिव में हो गया, और इसको और 4 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के वो यहाँ तक चला होगा, टोटल 8 हो जाएंगे, यहाँ 4, यहाँ 4। मैं ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट कर ही देता हूँ उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अंत में हमें उसकी ज़रूरत होने ही वाली होती है। ठीक है, तो आपको भी वही करना है, और कौन से पॉइंट पे पहुँचता है, पॉइंट क्यू, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्यू है। फिर क्या बोला है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट आर, अब अगेन यानी वापस दोबारा वो राइट टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है पॉइंट आर तक पहुँचने के लिए। अब अगर आप साउथ में चल रहे हो तो मैंने आपको बताया कि साउथ में ही लोग गलती करते हैं, जब आप साउथ में चल रहे होते हैं तब आपका राइट इस ओर नहीं बल्कि इस ओर होता है और लेफ्ट होता है इस ओर। ठीक है, तो इसका भी राइट टर्न इस ओर होगा, उस ओर नहीं, और कितना चलना है इसको, 5 चलना है। अब ये देखो, यहाँ से लेके ये 5 है, तो यहाँ से लेके 5 यहाँ तक ही होगा, तो ये इन लाइन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे ये रुक रहा है बता रहे हैं, आर पे, ये पॉइंट आर है। फिर क्या बोला है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट एस, अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, अगर वेस्ट में जा रहा है तो लेफ्ट टर्न नीचे और होगा, तो लेफ्ट टर्न आएगा नीचे की ओर, और कितना चलता है 5 मीटर, तो 5 मीटर हम वॉक करवा देते हैं, और ये पॉइंट एस होता है जहाँ पे ये रुकता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, अब यहाँ से अगेन ये राइट टर्न लेता है। साउथ में मैंने बताया कि राइट टर्न कहाँ होता है, इस और होता है, तो राइट टर्न इसका इस और होगा,
और ये कितना चलेगा, 8 मीटर। अब मैंने पहले ही बताया कि ये 5 है तो ये भी 5, यहाँ तक ही होगा। अब ये जो है ना, ये सेम लाइन में, अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 8 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 8 ही होना चाहिए। तो मतलब ये जो है, यहाँ से ये राइट टर्न लेगा और इस ओर वॉक करेगा और यहाँ आके रुकेगा। तो ये है इसकी ऑफिस। और क्या बोला है, टू रीच हिज ऑफिस, तो मतलब ये 8 मीटर जो है ना वो यहाँ तक ही होगा। तो जिसने अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने में गलती की होगी कि मतलब ये 4 और 5 चलेगा थोड़ा बहुत इधर उधर, ये 4 को लंबा बना दो 5 को छोटा बना दो, तो उसका तो यहाँ पे गलती होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी डायग्राम बनाओ डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते करते चलो। ठीक है, एक बार ये डायग्राम बन जाए फिर तो 5 मार्क 3 मार्क 4 मार्क जितने भी मार्क हो आसान होता है। क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। डायरेक्शन बतानी है पॉइंट पी तक की, किसके रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट एस के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट और फ्रॉम जिससे जुड़ा होता है वहां पे डायल बना दो, तो एस पे डायल बना दिया जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और किसको देखना है हमें, पॉइंट पी को देखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी है तो पॉइंट पी को देखना है। तो यहां से हमें पॉइंट पी को देखना है, तो ये देखो यहां से हमें पॉइंट पी को देखना है, मतलब ये डायरेक्शन बतानी है। तो ये डायरेक्शन किसके किसके बीच में है, ये नॉर्थ ऊपर होती है और ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो पॉइंट पी जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट एस के रिस्पेक्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। दिए गए ऑप्शन में से कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। सबसे पहले ऑप्शन में पी ओ एस है, क्या पी ओ एस स्ट्रेट लाइन में है, पी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, बट एस कहाँ पे है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। दूसरा क्या है, एन ओ एस, एन कहाँ पे है, एन ये रहा एन ओ एस, जी हाँ एन ओ एस स्ट्रेट लाइन में है, ये देखो एन ओ और एस नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही है तो वो स्ट्रेट लाइन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप दूसरा चेक कर लो, वो आंसर नहीं होंगे। फिर क्या बोला है, रमेश ऑफिस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम। रिस्पेक्ट किसके साथ है, पॉइंट एम के साथ है, तो एम पर हम अपना डायल बना देंगे, ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ और ये साउथ। और हमें क्या बोला है कि तो रमेश की ऑफिस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम। ठीक है, हमें ये सवाल का जवाब देना था, तो रमेश की ऑफिस पॉइंट एम से साउथ की डायरेक्शन में है, तो साउथ डायरेक्शन यानी ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, रमेश कहाँ है, रमेश की ऑफिस पॉइंट एम से, एम पॉइंट ये रहा और यहाँ से देखेंगे तो साउथ डायरेक्शन में रमेश की ऑफिस। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको दोबारा भी प्रैक्टिस करना, आपका अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में, होमवर्क के लिए है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको कर पाओगे और आप मुझे कमेंट में इसके आंसर्स भी बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। और क्या लिखा है यहाँ पे, सुलेख ट्रैवल्स 5 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, तो मैंने एक इमेज नहीं लिया है तो यहीं पे बनाना पड़ेगा। सुलेख ट्रैवल्स 5 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हम पॉइंट ए इसको मान लेते हैं और ये 5 मीटर चल रहा है साउथ में पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ये 5 मीटर। फिर क्या बोला है, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल्स 5 मीटर टू रीच पॉइंट सी। मैंने आपको बताया जब हम ईस्ट ये है वेस्ट ये है नॉर्थ और ये साउथ, और साउथ होता है तब राइट ये नहीं होता राइट ये होता है, लेफ्ट ये नहीं होता लेफ्ट ये होता है। ठीक है, तो अभी वो साउथ में है चल रहा है, मतलब पॉइंट ए से लेके बी तक गया वो साउथ में गया। ठीक है, तो साउथ में चल रहा है, तो देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न, तो साउथ में लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, इस साइड नहीं होगा, साउथ का लेफ्ट टर्न इस साइड होगा। और वो कितना चलता है, 5 ही चलता है, तो 5 किलोमीटर सेम ही दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलता है बट सेम जितना है। फिर क्या बोला है कि वो पॉइंट सी तक पहुंचता है, तो ये है पॉइंट सी। आगे बोला है, अगेन ही टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल 7 मीटर टू रीच पॉइंट डी। वो वापस से लेफ्ट टर्न लेता है, ईस्ट में लेफ्ट टर्न ऊपर की ओर जाता है और लेफ्ट टर्न में कितना चल रहा है, वो 7 मीटर चल रहा है। अब 7 मीटर 5 से ज़्यादा होगा तो आपको 5 से ज़्यादा तो लाइन बनानी होगी, बट डिस्ट्रीब्यूट उसको अभी से कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क बना दिया कि ये 5 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है, तो ये 5 और ये 2 7, और कहाँ पे पहुँचा वो पॉइंट डी पे, तो ये है पॉइंट डी।
ठीक है। फिर क्या बोला है, पॉइंट एल इज 3.5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट एल जो है वो 3.5 मीटर है डी के साउथ में। अब डी कहाँ पे है, ये रहा, साउथ कहाँ होगा, उसके नीचे 3.5 मीटर, मतलब यहां तक तो दो ही है, तो और डेढ़ होगा तो ही 3.5 होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, और डेढ़ होगा तो ही 3.5 होगा, और ये पॉइंट एल, समझे, तो यहाँ पे पॉइंट एल है ऐसा बताया है, तो हमने मान लिया। आगे क्या बताया, पॉइंट एम इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, एल के वेस्ट में 9 मीटर पे पॉइंट एम है। अब एल का वेस्ट कहाँ होगा, एल का वेस्ट इस साइड होगा, एल के वेस्ट में 9 मीटर जाना है, तो यहाँ तक तो 5 मीटर ही होगा, और कितना जाना पड़ेगा, 4 मीटर जाना पड़ेगा, तब जाके 9 मीटर मुझे मिलेगा, ठीक है। और पॉइंट कौन सा मिलता है, पॉइंट एम, तब जाके ये 4, 5, 9, तो एल के वेस्ट में एम 9 मीटर पे, ठीक है। आगे पॉइंट एन इज द साउथ ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एन जो है वो एम के साउथ में है, कहाँ है वो पता नहीं है, क्योंकि हम बी से पहले भी रख सकते हैं, बी के लाइन में भी रख सकते हैं, बी के बाद भी रख सकते हैं। सच दैट पॉइंट सी इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट एन, सच दैट मतलब ऐसी तरह से है कि पॉइंट सी जो है वो ईस्ट में दिखता है एन के, मतलब पॉइंट एन जो है वो एम के साउथ में है कहीं पे, ठीक है। बट ऐसे है जैसे कि एन के ईस्ट में सी दिख रहा है, तो एम के साउथ में और सी के सी ईस्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा पॉइंट एन, ठीक है। तो इतना डेटा हमें दिया गया है, क्वेश्चन पूछा था आरबीआई असिस्टेंट प्रिलिमिनरी 2017 में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, पूछा गया है पॉइंट एम की डायरेक्शन कौन सी है डी से देखे तो, रिस्पेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, पॉइंट डी से, तो हमें देखना किससे है, डी से देखना है। अब डी से देखना है किसको देखना है, एम को देखना है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन देखने के लिए ये होगा साउथ की ओर और ये होगा वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड सी, एल और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट एल कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा, मतलब सी यहाँ पे, तो मतलब ये डिस्टेंस पूछा है कितना है, ठीक है। 5 लिखा है तो 5 मत मान लेना, 5 यहाँ तक था वो ध्यान रखना, ये डेढ़ हमने यहाँ से, 3.5 था तो डेढ़ हमने यहाँ से काटा था, तो ये 5 में से डेढ़ गया तो बचा कितना होगा, 3.5, 3.5 ही बचा होगा ना, टोटल 5 था उसमें से डेढ़ चला गया, एल के ऊपर डेढ़ है तो नीचे होगा 3.5, तो ये डिस्टेंस होगा 3.5 मीटर। अगर आपने डिस्टेंस रखने में गलती की है तो आपकी यहाँ पे गलती होने वाली है, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोबारा करोगे, ठीक है, अगर पीडीएफ अपलोड नहीं होती कुछ कारण सर, क्योंकि मेरा लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश हो चुकी है, ठीक है, तो मुझे वापस से वो बनानी है, इसलिए ये डिले हो रहा है पूरा का पूरा, तो आप इस क्वेश्चन को वापस से, मतलब वीडियो को रिपीट करोगे और वापस से सॉल्व करोगे, ठीक है, बट प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। आगे क्या लिखा है, इफ पॉइंट एक्स इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट एन कहाँ पे है, पॉइंट एन ये रहा, इसका 9 मीटर वेस्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो यहाँ पे पॉइंट एक्स है ऐसा बोला है, 9 मीटर। इफ पॉइंट एक्स इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एक्स, तो सी और एक्स के बिटवीन का डिस्टेंस बताइए, ये और इस पॉइंट के बिटवीन का डिस्टेंस बताइए, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है, बताओ कितना होगा, तो यहाँ तक तो 9 है ये तो पता चल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये भी 4 ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 9 और 4 कितना होगा, 13, 13 और 5 कितना होगा, 18, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 18 मीटर्स होगा सी और एक्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, आपको ऐसा लगता तो डेफिनेटली होगा कि भाई बन जाएगा, बट जब आप बनाने बैठोगे तब आपको एक्चुअल आप कहाँ कन्फ्यूज है वो पता चलेगा, ठीक है। और जैसे ही कन्फ्यूज हो वापस से वीडियो देखो, वापस से आपका क्लियर हो जाएगा और वापस से आपका बनना शुरू हो जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, मैन क्या कर रहा है, 12 मीटर ईस्ट में चल रहा है पॉइंट ए से, टू रीच पॉइंट बी, कहाँ, एंड रिचिज पॉइंट बी, तो पहले तो डायल बना दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, SBI PO Pre 2017 में पूछा गया था सवाल, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, SBI का लेवल है।
अ मैन वॉक 12 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए मैं मान लेता हूँ, और वो वॉक कर रहा है 12 मीटर ईस्ट में, तो ये ईस्ट है 12 मीटर, और पॉइंट बी पर पहुंच रहा है, तो ये पॉइंट बी है। फ्रॉम पॉइंट बी ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर, यहाँ पॉइंट बी से मतलब अगर ईस्ट में चल रहा है तो लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और ये कितना चल रहा है 4 मीटर, तो ये 4 मीटर इतना ही होगा क्योंकि 12 के रिस्पेक्ट में उसका मतलब 1/3 है, ठीक है। फ्रॉम बी ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर, एंड देन लिखा है, एंड देन ही टेक्स राइट टर्न, यानी यहाँ से राइट टर्न, नॉर्थ में जा रहा है तो राइट टर्न इस साइड होगा, राइट टर्न एंड वॉक 6 मीटर, यहाँ से राइट टर्न लेके 6 मीटर चलता है, तो ये 6 मीटर है। एंड करके लिखा है, अगेन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 7 मीटर, अगेन ही टेक्स राइट टर्न, अब यहाँ से ईस्ट में चल रहा है तो राइट टर्न कहाँ होगा, बॉटम की ओर, और क्या बोल रहा है, एंड वॉक 7 मीटर, 7 मीटर मतलब ये यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये कितना होगा, ये यहाँ तक 4 तो होगा ही होगा, और 3 मीटर मुझे और ज़्यादा चलना पड़ेगा, 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट में वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंड अगेन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 7 मीटर, हमने 7 मीटर उसको वॉक करवा दिया, एंड अगेन टेक्स राइट टर्न एंड रिचीज पॉइंट एम, अब यहाँ से राइट टर्न ले रहा है, अब साउथ में ही गलती करते हैं, राइट टर्न इस साइड नहीं है, वो ध्यान रखना राइट टर्न इस साइड है, एंड रिचीज पॉइंट एम, अब मुझे पता नहीं कि ये कितना चल के पॉइंट एम तक पहुंच रहा है, तो मैं इसको जज नहीं करता, यहाँ पे मुझे पॉइंट एम रखना है, वो पता है, मैं राइट मुड़ के बैठा हूँ। आगे क्या लिखा है, इफ इट इज गिवन दैट पॉइंट बी इज इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट बी जो है वो नॉर्थ में होना चाहिए पॉइंट एम के, तो बी के नॉर्थ में एम है ऐसा मत समझना, किसके नॉर्थ में होना चाहिए, पॉइंट एम के, तो पॉइंट एम के नॉर्थ में, तो मतलब पॉइंट एम कहीं यहाँ पे हो तभी भी नॉर्थ में हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये मानना है कि भाई यहाँ पे जो जो साउथ में चल रहा था वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके पॉइंट एम तक पहुँचता है, तो ये एम यहाँ तक होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम, बी और एम के बीच का अंतर क्या होगा, तो हमें ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बताओ, हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे हम यहाँ पे कि भाई ये 4 है, ये टोटल 7 जाना था इसको यहाँ तक, तो ये 4 यहाँ तक होगा, तो बाकी कितना होगा, 3, तो आपका आंसर होगा 3 मीटर, ऑप्शन ई में अवेलेबल है 3 मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ही लॉजिकल होते हैं, आप ये देखो साउथ में लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं, साउथ का राइट ये मान के यहाँ पे पहुँचा देते हैं और फिर बोलेंगे कि बी तो एम के नॉर्थ में जा ही नहीं रहा, तो नहीं जाएगा ना, वो कभी नहीं जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे ही गलती कर दी है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, आपको वहाँ पे गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आप वापस दोबारा सॉल्व करोगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14-15 का पूछा गया था, SBI PO प्री 2015, वीडियो पॉज करेंगे और आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं सॉल्व होता है तो वीडियो रिज्यूम करके आंसर चेक कर लेंगे, और हो भी जाता है तो भी वीडियो रिज्यूम करके आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ मैन गोज टू द मार्केट, ठीक है, जा सकता है, ऐसा नहीं कि औरत ही जाती है। He walks 2 kilometers towards north, मतलब मैं मार्केट में जा रहा है और वो अब जहाँ खड़ा है वहाँ से 2 kilometers नॉर्थ की ओर मूव प्रयाण करता है, प्रयाण मतलब मूव करना। From his home, मतलब he walks 2 kilometers towards north from his home, तो ये भाई उसका घर है, ठीक, घर से वो चल रहा है 2 kilometers नॉर्थ की ओर जा रहा है। And then he turns to his left and walk 2 kilometers. अब यहाँ से लेफ्ट, नॉर्थ में चल रहा है तो लेफ्ट इस साइड होगा और 2 kilometers ही चलता है, तो ये और ये लाइन सेम होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वापस दोबारा वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, अब वेस्ट में चल रहा है तो लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, नीचे की ओर, एंड वॉक्स 1 kilometer, अब एक ही किलोमीटर चल रहा है तो आधा ही चलाना, दो जितना मत कर देना यहाँ तक, वरना वो बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वापस जब वो साउथ में चल रहा है वहाँ से वो लेफ्ट ले रहा है, अब मैंने आपको अक्सर बोला है जब साउथ होता है तो उसका लेफ्ट ये नहीं होता, उसका लेफ्ट ये होता है, और राइट ये नहीं होता, उसका राइट ये होता है, ठीक है। तो लेफ्ट लेना है तो इस साइड लेना पड़ेगा, और कितना चलता है लेफ्ट, एंड वॉक्स 4 kilometers एंड रीच द मार्केट, 4 kilometers चल रहा है, 4 kilometers मतलब ये 2 है तो इसका दुगना, ये भी दो, 4 हो जाए, और ये है मार्केट, ठीक है, और ये है होम, पागल है ना, यहाँ से यहाँ चला जाता तो
भैया होगा ही नहीं जगह रास्ता, रास्ता ही ऐसा होगा तो फिर वैसा ही जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज मैन्स होम फ्रॉम द मार्केट। क्या बोला है, मैन का घर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, कौन से के किसके रिस्पेक्ट में है, मार्केट के रिस्पेक्ट में। तो मार्केट से अगर हम देखेंगे ना तो ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, इन विच डायरेक्शन इज मैंस होम, मैन का होम यानी उस मानवी का घर कौन सी डायरेक्शन में है मार्केट से। तो मार्केट से मैन का घर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। दूसरा सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द मार्केट। अब यहाँ पे आता है चेंज, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज हिज होम और डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड मार्केट, ठीक है। तो अब इस इमेज को मैं थोड़ी और एनलार्ज करता हूँ और थोड़ा उतना ही पोर्शन शो करता हूँ, ठीक है। तो ये है उसका मार्केट और ये है उसका होम। तो अब हमें ये डिस्टेंस पूछा है कि भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। और ये है 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 है तो 2, और ये 1 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ये 1 है तो ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा तो ये 1, ठीक है। और आपको पूछा है ये डिस्टेंस कितना होगा, तो काफ़ी लोग क्या करेंगे बताया, ये 2 + 1 3 हो जाएगा। भैया ऐसे नहीं जाना है, जब भी डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको ये सीधी लाइन ही खींचनी है उन दो पॉइंट के बीच में और वही आंसर बताना है। तो आपको एक चीज़ आई थी 10th स्टैंडर्ड में, पाइथागोरस थ्योरम, मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ा होगा। जब अगर 90 एंगल यहाँ पे है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, और अगर आपको ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी का डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में ए से लेके बी तक का डिस्टेंस का स्क्वायर उसमें जोड़ देंगे बी से लेके सी तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन में याद ही रखना है। तो जिन लोगों ने अब तक यानी यहाँ तक वीडियो नहीं देखा होगा ना, तो उनका ये लॉस है, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मतलब ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो पहले वीडियो में पूरा होता है, ठीक है। आप सोचोगे कि मतलब क्वेश्चन मतलब किसी को आता होगा तो भाई ये तो बहुत ईजी है, मैं नहीं देखूंगा, तो उसको यहाँ तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, 90 एंगल होता है तब आपको एसी की वैल्यू चाहिए, तो वो अंडर रूट ऑफ बाकी जो बाजुए बच गई, दो साइड बच गए, उसका स्क्वायर का एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये उल्टा दिख रहा है बट ये 90 एंगल तो ज़रूर है। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू के लिए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो अंडर रूट ऑफ 5 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में है क्या, है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और डायरेक्शन का चैप्टर है तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने ही वाली है और इसके बिना इससे आप बच नहीं सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लेना और पाइथागोरस थ्योरम भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और एक बार ये चीज़ पता चल जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, IPPB क्या है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट आई थी 2017 में, ठीक है, जब बनी थी तभी उसकी रिक्रूटमेंट आई थी और बड़ा ही अच्छा सुनहरा मौका था तब। अब तो पीओ का मौका है तो पीओ बनो। तो ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो पॉज करोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व हो जाता है तो रिज्यूम करके आंसर चेक करोगे, और नहीं होता है तो रिज्यूम करके वीडियो को आप सॉल्यूशन देखोगे, बट देखोगे जरूर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, रवि स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन मतलब ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। रवि अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है अपने घर से और 10 किलोमीटर चल रहा है साउथ डायरेक्शन। मान लेता हूँ कि रवि का घर यहाँ पे है और साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलता है, तो ये 10 किलोमीटर है। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 किलोमीटर। मैं साउथ में ही आपको बताता हूँ कि साउथ में ही आप गलती करते हो कि लेफ्ट टर्न ये नहीं होता साउथ में, लेफ्ट टर्न साउथ में ये होता है। तो ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 किलोमीटर, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न ये ले रहा है तो लेफ्ट टर्न यहाँ पे होगा और 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ये 10 से कम थोड़ा दिखना चाहिए। आफ्टर डैट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर। तो हमें ये राइट टर्न कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा वापस से। मैं ये रवि का घर मान लेता हूँ
और यहाँ से आप 10 का स्केल छोटा बना लेता हूँ। आपके पास तो ब्लैंक कोरी शीट होती है, तो आप डेफिनेटली उसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो उसमें आपको रफ करके दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे यहाँ पे बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब यहाँ से राइट टर्न ले रहा है और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यहाँ तक होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, नाउ ही टेक्स वॉक 14 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग राइट टर्न, मतलब वो साउथ में चल रहा है, और साउथ में मैंने बोला है कि राइट साउथ में ये नहीं होता ये होता है, तो अब कितना चल रहा है, वो 14 किलोमीटर चल रहा है, राइट टर्न इस साइड रहेगा और 14 चलेगा। अब यहाँ तक तो 8 ही होगा, ये 8 है तो यहाँ तक 8 होगा, और 8 और 6 14 होता है, तो ये यहाँ तक चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली ही रीच हिज ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे क्या है, होम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ चल के ये यहाँ तक इतनी मेहनत करके पहुँचा, वो थोड़ा बीच में आ रहा है तो उसको साफ कर देते हैं, उसमें क्या है, हमें उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल, सवाल नंबर पहला, इन विच डायरेक्शन रवीज होम विथ रिस्पेक्ट टू रवीज ऑफिस, रिस्पेक्ट किसके साथ है, रवि की ऑफिस के साथ, तो ऑफिस से हमें देखना है कि रवि का घर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और रवि का होम कहाँ है, यहाँ पे है, सही ना, तो हमें कहाँ जाके देखना है, यहाँ से इस तरह से देखना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या, कौन सी होगी, बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये जो होगी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में ऑप्शन डी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, हाउ फार रवीज ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू रवीज होम, रवि की ऑफिस कितनी दूर है रवि के होम से, मतलब आपको ये डायरेक्शन ढूंढनी है, ठीक है। इसको मैं एनलार्ज करके यहाँ बना हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 एंगल हो रहा है, कहाँ पे ये एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, तो ये डिस्टेंस जो हमने ब्रेक किया था ना, ये 8 और 6, तो हमें ये काम लग गया ना, यहाँ पे 6, और ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 होगा, 10 10 कुल मिला के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये है रवि का होम और ये रवि की ऑफिस, आपको बताना ये डिस्टेंस कितना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर आपको एसी की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ऑफ बाकी दो साइड का स्क्वायर का एडिशन, तो हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट हमें ये यही चाहिए डिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ बाकी दो साइड ये और ये उसका स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर का एडिशन, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये एडिशन कितना हो जाएगा 436, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 वन ज़ा 4 और 109, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा 2√109। ऑप्शन में है क्या 2√109, ऑप्शन ए ही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपकी दाल गलने वाली नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लेक्चर है, काटना नहीं है, बट एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहां पे मैं आपको क्विजीज और करंट अफेयर सब कुछ देता रहता हूँ, तो आप वहां पे मुझे फॉलो करोगे, और वहां पे मैं मोस्टली एक्टिव होता हूँ, तो आप मुझे वहां पे फॉलो करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अरे भाई खत्म हो गया, अच्छा दूसरा लेक्चर में है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए, ठीक है। जो होमवर्क किया मतलब दिया है वो करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊँ, और कमेंट में भी उसका आंसर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या उसकी प्लेलिस्ट की लिंक एंड स्क्रीन पर छोड़ दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट बाकी है, धन्यवाद। और मैथ्स की लेक्चर्स भी देखो भाई।